सतनाम धन वाहेगुरु साहिब जी। लट पट फर रे सज रहे गुर शब्दन की पही चंकार। प्रगटे गुरु गोबिंद सिंह साहिब जिन सब कुल लिया उदार। अंतर जामी मोर प्रभ सब बिद जानन हार। पंथ उपावन कारने कलमहे लिया अवतार। पंथ उपावन कारने कलमहे लिया अवतार। श्री अजीत सिंह जुझार सिंह जोरावर सिंह फतेह सिंह प्रिये। पंचम खालसे सतगुर पूरा जिने पंथ सुपंथ प्रगटे। पंचम खालसे सतगुर पूरा जिन्ह पंथ सुपंथ प्रगटे। एकंकारा सतगुरु तेह प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह है विघ्न विनाशन सोए। एकंकारा सतगुरु तेह प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह है विघ्न विनाशन सोए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। त्रिपदायक बेसन पद पुनया की तरह दूजे सब अंग गुर पद के। बेसन पद पुनया की तरह दूजी सब अंग गुर पद के। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। राजान राज सतगुरु पानान पान सतगुरु धन सतगुरु। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन पवित्र पातशाही दरबार दे अंदर हाजरी भर रहे गुरु स्वरूप गुरु खालसा साध संगत जी। अज बड़ा ही भागां वाला दिन है क्योंकि अज दे दिन संसार दे तख्ते दे उत्ते उस अकाल पुरख वाहिगुरु परमात्मा दा ओ अकाली पंथ प्रगट होया। जिस अकाली पंथ दी दिनों दिन चढ़दी कला कलगी धर पातशाह खुद कर रहे ने। ते इस पंथ दे विच एक बड़ी विलक्षण बात है कि जिस जगह दे उत्ते गुरु का खालसा पंथ सज जांदा है गुरु गोबिंद सिंह कहंदे उत्थे कदे भी पंथ कला नहीं होवेगा। जिथे भी गुरु ग्रंथ साहिब दी ताबिया पंथ सजेगा उस पंथ दे अंदर गुरु गोबिंद सिंह खुद चौंकड़ा ला के बह जावे। खालसा जी जे अज सजे हां ते भावना नाल महसूस करियो चोजी प्यारे सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह सदा ही हाजर। ते ऐसे दीन दयाल सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दी अपार बख्शिश दे नाल अज दे दिन सतगुरु दे मुखार बिंद तो उचारण कीती श्री सरबलो ग्रंथ साहिब जी दी बाणी दे विचों खालसा महिमा दी बाणी दी विचार कीती जावेगी। जिस तरह खालसा जी घर दे विच कोई संतान जन्म लवे ना ते माता पिता अपनी संतान बारे अपने बच्चे बारे बड़े प्यारे शब्द वरतदे ने बड़ा लाड लड़ाउंदे ने अपने बच्चे ने। पर जेड़ा लाड जेड़ा प्यार गुरु गोबिंद सिंह ने अपने खालसे नू लड़ाया दुनिया दे तख्ते ते कहंदे हजारां मावां दा प्यार भी कट्ठा कर दिता जावे पर गुरु गोबिंद सिंह दे प्यार दी बराबरी नहीं हो सकती। क्योंकि अपने घर विच कोई सज्जन आवे आपां कहांगे तू सानू साडे बच्चियां वर्गा प्यारा लगदा है साडे बच्चियां वर्गा प्यारा है।
पर गुरु गोबिंद सिंह ने जदों खालसे नूं वेख्या कलगियां वाले ने यह नहीं कहा मैनू तू अजीत सिंह वर्गा बाबे जुझार सिंह वर्गा प्यारा लगदा है, बल्कि गुरु गोबिंद सिंह ने कहा सिखा तू मैनू मेरे साहबजादियां तों वी वध के प्यारा लगदा। खालसा जी ऐसे दीन दयाल सतगुरु की पावन पवित्र बाणी की विचार आरंभ करन तो पहला आओ एक बार दोवें हथ जोड़ के सतगुरां नूं सीस झुकाउंदे होए प्यार सहित उचारण करिए सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। बिसन पद पुनिया की तरह दूजी सवैये गुर पद के। श्री सर्वलोक ग्रंथ साहिब जी की जो बाणी है वेखो गुरु गोबिंद सिंह वर्गा जिथे मुरशद दुनिया के तख्ते ते कोई नहीं, जिथे धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज वर्गा संत स्वरूप पीर पैगंबर दुनिया के तख्ते ते कोई नहीं, उत्थे गुरु गोबिंद सिंह महाराज वर्गा सिपाही बल रखण वाला मुरशद भी दुनिया ते कोई नहीं, क्योंकि कलगी धर पातशाह नूं 72 तरह की शस्त्र विद्या आउंदी सी। अते खालसा जी धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज कलम दे धनी भी ने ते तेगां दे धनी भी ने, ते कलम दे धनी ऐसे महान ने कि जदों गुरु गोबिंद सिंह जी ने कलम चलाई जिथे श्री दसम ग्रंथ साहब जी की बाणी, श्री सर्वलोक ग्रंथ साहब जी की बाणी, विद्या सागर ग्रंथ, विजय मुक्त ग्रंथ, मुक्ति नामा ग्रंथ, कैसे महान ग्रंथ लिखे, ते इस पावन पवित्र सर्वलोक ग्रंथ साहब के अंदर गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने 52 भाषावां वरतियां। दुनिया के तख्ते ते ऐसा कोई लिखारी अज तक नहीं होया जिहड़ा एक थां दे उत्ते 52 भाषावां दी वरतों कर लवे। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने 52 भाषा वरतियां ते नाले ही इस बाणी दे अंदर 300 राग वरते। किड्डे वड्डे रागी, किड्डे वड्डे महाराज सच्चे पातशाह रागां दे ज्ञाता, 300 राग वरते ते हुण उन्हां रागां दी वरतों दे नाल कलगी धर पातशाह अपने खालसे दी उस्तत करनगे। पर खालसे तो पहला सतगुरु ये दसणगे भी खालसा प्रगट किवें होया, ते हुण सतगुरु ने पहला कहा बिशन पद पुनियाकी। बिशन पद छंद दा नाम है, पुनियाकी राग दा नाम है, अते सवैये गुरु पद के पहला सतगुरु बारे दसणगे, उस तों बाद खालसे दी महिमा करनगे। गुर जहाज शब्द गुरु पवट नाम निरंजन पर पारे उतारे। दुनिया दे तख्ते ते आप नारायण कला धार जग मह परवरियो। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह कहंदे गुरु जहाज शब्द गुर खेवट। गुर सिखो गुरु नानक साहब महाराज ने संसार दे तख्ते ते आके एक जहाज तैयार कर दिता है। जिवें किसे ने यात्रा करनी होवे, मीलां दी दूरी ते जाना होवे, जहाज ते यात्रा करन वाले दा पंध सफर थोड़ा हो जांदा है, समा घट लगदा है। इसे तरह संसार रूपी भव सागर नू पार करन लई गुरु नानक साहब महाराज ने एक जहाज तैयार किया, गुरु जहाज। सतगुरु ने जहाज तैयार किया, वाहेगुरु नाम जहाज है चढ़े सूत्रे पार। पर कहिंदे इस जहाज विच सवार ओ हो सकदा है शब्द गुर खेवट, जेड़ा शब्द दा अभ्यास करदा है। शब्द गुरु सुरत धुन चेला, जेड़ा शब्द दा अभ्यास करेगा कहिंदे शब्द दी बरकत दे नाल नाम निरंजन पार उतारे, नाम दी कला वरतेगी ते गुर सिख इस भव सागर तो पार हो जावेगा। भव बारद को सोखण हारे होवै अगस्त प्रभु सिख उबारे। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहिंदे गुरु नानक साहब उस नियामत दे मालक ने भव बारद के सोखन हारे। भव बारद खालसा जी समुंदर नूं कहा जांदा है, ते सतगुरु कहिंदे समुंदर नूं कोई सुका नहीं सकदा, पर गुरु नानक दे विच ए ताकत है भी जेड़े दुखां रूपी कलेशां रूपी समुंदर बंदे दे जीवन विच आउंदे ने ना, कोई एक बार अपनी रसना तो धन गुरु नानक कह दवे गुरु नानक साहब दुखां दा वड्डा समुंदर भी सका के अपने सिख नूं दुखां तो बाहर कढ लैंदे ने।
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਨਾਮ ਲਈਏ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਮਿਟੇ ਸੋ ਭਿਆਨਕ ਨਾਮ ਲਈਏ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਸੰਪਤੀ ਮਿਲੇ ਅਚਾਨਕ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਰੂਪੀ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਸਕਾਉਂਦੇ ਆ ਵੈ ਅਗਸਤ ਪ੍ਰਭੂ ਸਿੱਖ ਉਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗਸਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਸਤ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਆਪਦਾ ਆ ਗਈ ਆਮ ਲੋਕ ਆਮ ਜਨਤਾ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਅਗਸਤ ਮੁਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਘਰ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਸਤ ਮੁਨੀ ਨੇ 2.5 ਘੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਹੀ ਪੀ ਲਿਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਅਜਰ ਜਰ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨਿਆਮਤਾਂ ਸਾਧੂ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿਖਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਧੂ ਕੋਲ ਜੇ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਜਰ ਨੂੰ ਜਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਗਸਤ ਮੁਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਿਸ਼ੀ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਗਸਤ ਮੁਨੀ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ 2.5 ਘੁੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਤਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਣ ਤਕਲੀਫ ਆ ਜਾਵੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਭਟਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਵੇਖੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੇ ਇੱਕ ਖਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੋ ਜੋ ਚਰਨ ਸਰਨ ਗੁਰ ਲਾਗੇ ਬਿਖੜੇ ਘਾਟ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਚਰਨ ਗੁਰ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਬਿਖੜੇ ਘਾਟ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਖਿਣ ਵਿੱਚ ਲੰਘਾ ਦਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣਾ ਡੁੱਬਦੇ ਬੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸਵਾਰ ਹੈ ਪਰ ਡੁੱਬਦੇ ਬੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਡੁੱਬਦਾ ਬੇੜਾ ਵੀ ਬੰਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣੇ ਦਾ ਡੁੱਬਦਾ ਬੇੜਾ ਤੇ ਪਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਲਈਏ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣੇ ਦਾ ਡੁੱਬਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਏ ਜਾਂ ਇਸੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤੇ ਬੇੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਈਏ ਜਿਹੜੀ ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਸਿਆਣਪਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣਗੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰੋ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੋ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੇਗਾ ਹੱਥ ਪੈਰ ਹਿਲਦੇ ਵੇਖੇਗਾ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਬਲਕਿ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਲਚਲ ਰੋਕ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਡੁੱਬਦਾ ਬੇੜਾ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਲਾਈ ਤੇ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਐਸੇ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਘਰ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਐਸੀ ਮਹਾਨ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦਾ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਬਿਖੜੇ ਘਾਟ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੰਗੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਤਾਂ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਰ ਆਏ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰ ਧੜ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲਾ ਕੇ ਦਰ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੇ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਵੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿਰਪਾ ਸਿੰਘ ਦੱਤ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਸਿੰਘ ਦੱਤ ਬਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਸੀ ਤੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵੀ ਪਾਈ ਜੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਖੁਦ ਸਿਰ ਧੜ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲਾਈ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਮਾੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੋਪਦ ਵਤ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਬਾਹਾ ਪਕੜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਬਾਰੇ ਗੋਪਦ ਵਤ ਤੋਂ ਭਾਵ
जीवन विच कोई दुख आ जावे ना बंदा घबरा जांदा है। जीवन दे विच निक्की जी तकलीफ आवे बहुत घबरा जाने हैं। गुरु गोबिंद सिंह कहिंदे घबराउण दी थां ते ना इक वार जपजी साहब करके वेखी, गुरु नानक नूं चेते करके वेखी, कहिंदे जीवन दे विच जिड्डा मर्जी वड्डा दुख आवे कहिंदे तेनूं वड्डे तों वड्डा दुख वी गां दे पैर वर्गा निक्का जा लगेगा, क्योंकि वड्डे तों वड्डे दुख नूं वी सतगुरु इक खिण विच कट देंदे ने। करन धार सतगुर मम कहियत गुरु नानक गुर अंगद तारे। ऐसे करन तार कृपालू दयालु गुरु नानक साहिब महाराज, बाद विच फिर भाई लहणे नूं अंग नाल लाया ते खालसा जी गुरु अंगद साहिब दे रूप विच उजागर हो गए। अमरदास पूरो पुरशोत्तम सत संगत गुर पारे उतारे। ते धन गुरु अमरदास जी महाराज, अज विसाखी दा दिहाड़ा मना रहे हां। जदों गोइंदवाल साहिब दी सेवा संपूर्ण होई ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਤੇ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੁਲਕਾ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾਈ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੁਲਕਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ऐसे सतगुरु गुरु अमरदास जी महाराज कहंदे नमाणियां दे मान, नताणियां दे तान, नेओटियां दी ओट, निपत्तियां दी पत, नेआसरियां दे आसरे। ऐसे सतगुरु गुरु अमरदास जी सदा संगतां दे उत्ते रहमतां बरसाउंदे ने। रामदास गुरु चाले अमर नित सदा सरोवर रूप सुधारे। सब तो बा कमाल बचन, धन धन रामदास गुर जिन सिरिया तिनै सवारिया। खालसा जी कलयुग दे जमाने विच बंदा सोचदा सरोवर दा की है। सरोवर ते केवल महाराज ने समय दी लोड़ मुताबक बनाए, सरोवर विच कोई ताकत नहीं। पर गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं पुछिए भी हरिमंदर साहिब दे सरोवर विच की ताकत है, ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहंदे तुसी अखां नाल वेखोगे तुहानू सरोवर नजर आवेगा। कलगीधर पातशाह कहंदे पर जदों मैं हरिमंदर साहिब दे सरोवर नूं वेखदा ते मैनूं गुरु रामदास सच्चे पातशाह चौंकड़ा ला के बैठे हुए नजर आउंदे। गुरु गोबिंद सिंह कहंदे ओह सरोवर नहीं, ओह गुरु रामदास सच्चे पातशाह ने खुद सरोवर दा रूप धार लिया ते उस सरोवर दे विच ए ताकत है भी दुनिया दे तख्ते दे उत्ते उस सरोवर दी निक्की जिही बूंद दा मुकाबला वड्डी तो वड्डी ताकत नहीं कर सकदी। भाई नंद लाल साहिब दे पाक बोलने चेह गंगा मुकाबल बा अमृत सरश के हर सास तो आम दे टाकरश। खालसा जी दुनिया दे विच किसे ने सोना पाया होवे, हीरे मोती पाए होना, कीमती तो कीमती सोना गहने पाए होण, ते भाई साहब भाई नंद लाल साहब कहिंदे जिन्ना मर्जी कीमती सोना पाया होवे पर सोना शरीर दे नाल लाइए शरीर दे दुख नहीं कटदा, बंदे दी किस्मत नहीं बदलदा। पर कहिंदे जिहड़ा गुरु रामदास दे सरोवर विच जाके इशनान कर लैंदा है, गुरु रामदास सच्चे पातशाह दे सरोवर दी बरकत दे नाल बंदे दी किस्मत भी बदलदी है ते बंदे दे जीवन दे दुख भी कट्टे जांदे ने। ए ताकत ए नियामत गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी दे घर दे विच सदा वरतदी है। श्री अर्जन शब्द जहाज गुर पद पंकज दै सब सृष्टि उदारे। हुण गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी तो बाद धन गुरु अर्जन देव महाराज ने कृपा कीती, शब्द गुरु जहाज दे लड़ लाया। ते कहंदे दुनिया विच जहाज ते सवार होना होवे, एक जहाज दी एक लिमिट हुंदी है 200 जां 300 बंदे सवार हो सकदे। पर कहंदे जेड़े शब्द गुरु जहाज दे लड़ गुरु अर्जन देव जी ने लाया, ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਐਸੀ ਕਰਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਝੁੱਕ ਜਾਵੇ ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਹਰ ਰਾਏ ਗੁਰ ਹਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਰੰਜਨ ਅਪਰੇ ਅਪਾਰੇ। ਹੁਣ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਖੋ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾਦਾ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਲੱਗਦੇ ਆ।
पर धन गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी ने जो जो बचन सिखां नूं किते कलगीधर पातशाह जी ने उही बचना नूं कलमां दे नाल लिख दिता। जे गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज सच्चे पातशाह ने शस्त्रधारी होने लई कहा ते अकाल तख्त साहब दे थड़े दे उत्ते शस्त्रां दा प्रकाश कराया ते गुरु गोबिंद सिंह ने उही दादे वाले बचना नूं कलमां नाल लिखिया जिते शस्त्र नामंग नमस्कार तामंग जिते अस्त्र भेयंग नमस्कार तेयंग। जे गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने दमाले बख्शे एक शाही पोशाक बख्शी ते उसे शाही पोशाक नू गुरु गोबिंद सिंह जी ने रहत दे दिती भी जेड़ा भी सिख ए शाही लिबास धारण कर लवेगा अपने तन दे उत्ते उस सिख दे विच ते गुरु गोबिंद सिंह विच कोई फर्क ही नहीं रह जाएगा। जदों सिर ते दस्तार सजाने ना जां तन दे उत्ते चोला सजाने जां पंजे ककार सजाने खालसा जी चेते रखियो चोला जां दस्तार सजाउण तों पहला मिट्टी दा पुतला ही हुंदा है पर जदों सिर ते दस्तार सजा लैंदा है अपने तन दे उत्ते पंजे ककार धारण कर लैंदा है कहिंदे वेखण विच भावें बंदे नूं आम शरीर नजर आउंदा होवे पर जिन्हें दस्तार सजाई है दमाले सजाए ने पंजे ककार धारण किते ने असल विच उस सिख दे हिरदे दे अंदर गुरु गोबिंद सिंह वरत रहे हुंदे ने। ए ताकत ए रहमत कलगीधर पातशाह जी ने बख्शी। गुरु हरगोबिंद साहब जी तो बाद गुरु हर राय साहब अते गुरु हरकृष्ण साहब महाराज ने दुनिया दे दुख सदा दूर किते। तेग बहादुर पुने सरूपा सतै सब रूप अखंड अजय। ते हुण समा आया गुरु तेग बहादुर जी संसार दे तख्ते ते आए ते कहंदे सत स्वरूप अखंड अजय भाव गुरु तेग बहादुर जी कदे खंडित नहीं हो सकते कोई मुका नहीं सकता। खालसा जी समा चेते करो चांदनी चौंक विखे गुरु तेग बहादुर जी की शहादत तो बाद ही गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा साजिया। पर वेखो कैसी महान शख्सियत है गुरु तेग बहादुर जी की कि जिस लाल किले तो जिस औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी की हस्ती खत्म करने वास्ते सीस धड़ तो जुदा करन दा फतवा दिता सी उस लाल किले दा जां औरंगजेब दा अज नामो निशान नहीं। कोई लाल किले दे हुक्मां नूं नहीं सुन रहा कोई औरंगजेब दी वात नहीं पुछ रहा पर जिस लाल किले दे सामने गुरु तेग बहादुर जी ने चौंकड़ा लाया उस गुरद्वारा शीशगंज साहिब विखे मत्था टेकण वालियां दी लाइन ना दिने टुटदी है ना रात टुटदी है क्योंकि उत्थे धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह शुभायमान हो गए। इस करके गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने कहा सतगुरु दी मूरत है सत स्वरूप अखंड अजय गुरु तेग बहादुर जी नू दुनिया दे तख्ते ते कोई खंडित नहीं कर सकदा सतगुरु नू कोई जित नहीं सकदा सदा ही गुरु तेग बहादुर जी दी जय जयकार है। जुग जुग तार लियो त्रै लोकी असर फचले प्रभ नित अबे। ते धन गुरु तेग बहादुर महाराज ने तीना लोकां नू ही सुख दिता ते सारिया दियां मनोकामनावां पूरियां कीतियां। पियो निस्तार तरास असरन ते तार लियो गुर जगत सबे। ते केवल एक फिरके नू नहीं बल्कि सारे जगत नू गुरु तेग बहादुर जी ने तारिया है। शाह गोबिंद फतेह गो सतगुर की वाहे गुरु सुच मंत्र अखै। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जी ने इत्थों तक नौ पातशाहियां दा जिक्र किया ते हुण अपने बारे कलगीधर पातशाह जी ने कहा शाह गोबिंद फतेह सतगुर की कि ऐसे सतगुरां नूं चेते करके एक कृपा वरतदी है जिथे भी जाके सिख खड़ जावे सतगुर की कृपा नाल सिख की सदा फतेह हुंदी है। पर नौ पातशाहियां दे नाम लिखण दा कारण बड़ा वड्डा है। धन गुरु गोबिंद सिंह कहिंदे मैं जिहड़ा खालसा सजा के चलिया ना इहदे विच केवल एक पातशाही दी नहीं एक महल दी कला नहीं वरतरी बल्कि जिहड़ा खंडे दी पौल लैंदा है जिहड़ा अमृत छक लैंदा है दसे पातशाहियां दीआं रहमतां नियामतां उस सिख दे अंदर वरतण लग जांदी क्योंकि पंथ खालसा भयो पुनीता प्रभ आग्या कर उदत पए। खालसा जी जदों तख्त केसगढ़ साहब की धरती ते गुरु गोबिंद सिंह जी ने 80,000 दे कठ दे विच खड़ के बचन किया एक सिख दे सिर दी लोड़ है उदों वेखो सिखां दी भावना भी कैहो जिही होवेगी भी अज तक जिस गुरु दे दर दे उत्ते
खालसा जी कढ़ा प्रसाद लैके वस्त्र लै करके माया दी भेटा लै करके आंदे। अज उस गुरु ने परचा पा दिता भी एक सिख दे सिर दी लोड़ है। इसे तरह गुरु के सिख जिवें कड़ा प्रसाद लैके वस्त्र लैके जांदे ने, अज भी गुरु के सिख दोवें हाथ जोड़ के खड़े हो गए। पातशाह ये सिर ते पहला ही तुहाडा सी, असी ते करजा ही चुकी फिरदे हां। खालसा जी धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी ने उत्थे सब तो पहला आवाज लाई ते पहली आवाज दे विच कोई नहीं उठिया। दूसरी आवाज दे विच भाई दया राम जी ते खालसा जी, तीसरी आवाज दे विच भाई धर्मदास जी, इसे तरह वारो वारी सिर भाई हिम्मत राम जी जिन्हां ने बाद विच पंजां प्यारियां दे रूप दे विच उजागर होना है, भाई मोहकम चंद जी, भाई साहिब चंद जी। ये पांच गुरु के सिंह सूरमे धन गुरु गोबिंद सिंह जी दे सनमुख जाके खड़े हुए ते कलगीधर पातशाह दे चेहरे ते ऐसा जलाल सी ना भी निगाह भर के गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे चेहरे वल वेख्या नहीं सी जांदा। आपां जाप साहिब विच पढ़दे आ ना, नमो सूरज सूरजे, नमो चंद्र चंद्रे, सूरजियां दा भी सूरज है गुरु गोबिंद सिंह महाराज दा प्रताप। कोई सूरज वल वेखना चाहे निगाह भर के सूरज नूं वेख नहीं सकदा जदों सूरज चमक रिहा होवे। जदों धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज केसगढ़ साहिब विखे सजे ने ना, ते कलगीधर जी वल कोई निगाह भर के नहीं वेख सकदा। कहिंदे धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज वीर आसन दे विच सजे, कलगीधर पातशाह दे हथ विच श्री साहिब। सब तो पहला गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने पंजां सिखां दे सीस चटकाए। उस तो बाद धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने हुण खंडे दी पहुल तैयार कीती ते खालसा जी वीर आसन विच सजे, महाराज दे हथ दे विच लहू नाल भिजी हुई श्री साहिब, एक हथ दे विच खंडा ते खंडा बाटे दे विच फेर रिहा, ते बाटे दे विच जल है ते जल दे विच पतासे पाए हुए ने, ते धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे मुखार बिंद तों जपजी साहिब जाप साहिब तो प्रसाद सवैये कबियो बाच बेनती चौपई साहिब ते आनंद साहिब दा पाठ हो रहा। ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह दे अमृत भरी दृष्टि कलगियां वाले पातशाह दे नेत्र उस वक्त सरबलोदे बाटे ते टिके हुए सन। ते खालसा जी अमृत संचार तो बाद धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं पुछिया, पातशाह अमृत संचार वेले पहुल तैयार करन वेले बाटे ते नेत्र क्यों टिके ने? अज भी जदो अमृत संचार हुंदा पंजां प्यारियां दे नेत्र बाटे ते टिके हुंदे ने। खालसा जी गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं पुछिया, बाटे ते नेत्र क्यों टिके ने? ते धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहण लगे, सिखो ये नेत्र मेरे नहीं, ये नेत्र ओ गुरु नानक दे रहमतां भरे नेत्र ने, जेड़े नेत्र रीठियां ते पए रीठे भी मिठे हो गए। सिखो ये नेत्र मेरे नहीं, ये नेत्र गुरु नानक दे ओ अमृत भरे नेत्र ने, जेड़े सत साल दे बच्चे ते पए ओ ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहब हो गए। ये ओ रहमतां भरे नेत्र ने, जेड़े भाई लहणे ते पए ते ओ गुरु अंगद साहब हो गए। एहो नेत्र भाई बाबे अमरदास ते पए ओ गुरु अमरदास हो गए। ए नेत्र भाई जेठे ते पए ओ गुरु रामदास हो गए। बस अजो नेत्रां दी रहमत नेत्रां दी कृपा मैं खंडे बाटे दी पोल विच पा चलिया। हुण जेड़ा भी गुरु नानक दे नेत्रां दी कृपा चाहुंदा है ओ खंडे बाटे दा अमृत छक लवे। खालसा जी आपां ते कहने ना अमृत उदों छकांगे जदों कृपा होवेगी, पर गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहिंदे कृपा होवेगी तां जदों अमृत छकेगा, क्योंकि सारियां कृपा रहमतां नियामतां गुरु गोबिंद सिंह महाराज कलगीधर पातशाह ने खंडे बाटे दे अमृत विच पा दित्ती। इसे करके दुश्मन भी ये गल कहिंदा सी, मुर्शद इनका वली भयो है, इनको आबे हयात दियो है। ते खालसा जी इस आबे हयात विच इस खंडे बाटे दी पोल विच ताकत है। जदों बंदा अमृत छकण वास्ते आउंदा है पंजां प्यारियां दे कोल जिहड़े सतगुरु दी ताबिया अमृत संचार करदे ने, जदों आउंदा है आम इंसान हुंदा है, आम बंदा हुंदा है, मिट्टी दा पुतला हुंदा है,
पर इस खंडे बाटे दे विच ताकत है जेड़ा अमृत दे पंज चूले छक लैंदा है। सतगुरु कहंदे जिन मानस ते देव ते कीए करत ना लागी वार, जेड़ा अमृत छक लैंदा है कलगियां वाले उन्हूं देवत्यां तों वी उच्चा बना दिंदे ने। ते जदों अमृत संचार हुंदा है ना 23 तरीक नूं इत्थे वी अमृत संचार है। खालसा जी अमृत संचार अमृत दे विच इक बड़ी वड्डी महान बख्शिश है। जदों पंज प्यारे अमृत छकाउंदे ने पंज छिट्टे तुहाडे नेत्रां ते पाउंदे ने, पंज छिट्टे केसां विच पाउंदे ने ते पंज चूले सानू छकाए जांदे ने जिहड़े अंदर चले जांदे। इहदे पिछे कारण बड़ा वड्डा, सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह दे घरों नेत्रां दे विच पंज छिट्टे अमृत दे तां पाए जांदे ने तां कि पारतरे रूप ना पेखै नेत्र साध की टहल संत संग हेत। जिहड़ा बंदा इन्हां अखां दे नाल हमेशा माड़ी चीजां तकदा है, दुनिया नूं तकदा है, संसार दे मजबां नूं तकदा है, जिहदे नेत्रां दे विच अमृत दे पंज छिट्टे पै जांदे ने ओह भाई कन्हैये वांग दुश्मनां दे विचों वी कलगियां वाले नूं तकदा है। ਇਹ ਕਾਰਨ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹਰ ਮੁਖ ਚੁਆਵਾਂ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਜਦ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੂਰਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੋਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜ ਛਿੱਟੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਹੈ। ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਭਰੀਐ ਮੱਤ ਪਾਪਾਂ ਕੈ ਸੰਗ ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੈ ਕੈ ਰੰਗ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾੜੇ ਖਿਆਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਪੰਜ ਛਿੱਟੇ ਕੇਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਕ ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾੜੇ ਖਿਆਲ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਪੰਜ ਛਿੱਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪੰਜ ਚੂਲੇ ਛਕਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਛਕਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਚੂਲੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਖੂਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਅੰਤਰ ਖੂਟਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਿਆ ਸ਼ਬਦ ਕਾਢ ਪੀਐ ਪਨਿਹਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਪੰਜ ਚੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਖੂਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਬਸ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਜਿਵੇਂ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਬਾਲਟੀ ਅੰਦਰ ਪਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਜਲ ਭਰੀਦਾ, ਜਲ ਬਾਹਰ ਆਵੇ ਛੱਕ ਲਈਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪੀ ਬਾਲਟੀ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾ ਤੇ ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪੀ ਬਾਲਟੀ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਖੂਹ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਪੀਆ ਕਰ। ਜੋ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਧਿਆਵੇ ਮੇਰਾ ਹਰ ਹਰ ਸੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਮਨ ਭਾਵੈ। ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਸਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੋਲ ਤੇ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਥਮ ਰਹਿਤ ਇਹ ਜਾਣ ਖੰਡੇ ਕੀ ਪਹੁਲ ਛਕੈ ਸੋਈ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਰ ਨਾ ਪਹੁਲ ਜੋ ਲੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰਣ ਕਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਭੇਟਾ ਕਰਕੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੋਲ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਰਹਿਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਰਹੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਹ ਬਚਨ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਫੌਜ ਦਾ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਰਿਆਸਤ ਨਹੀਂ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ 40 ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 5-5 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ ਦਾ ਜਕਾਰਾ ਗਜਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦਾ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜੂਝਣ ਲਈ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੋਲਿਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹਜੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦਾ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਦਾੜੇ ਕੇਸ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਿਤਨੇਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਹ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਓ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੋਲਿਆ।
ते जदों साहिबजादा बाबा अजीत सिंह बाहर जाण लगे धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने कहा बेटा जदों तेरी छाती दे विच तीर वज्जण ते एक बार अपना मुखड़ा जरूर विखा दें। ते बाबा अजीत सिंह जी ने गुरु गोबिंद सिंह जी नूं पुछिया कि पातशाह की गल पुत्तर दा मोह जाग पिया। ते धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे मोह नहीं जागिया अजीत सिंह मैं तेरी छाती दे विच लगे हुए तीर गिणांगा ते चेते रखी जिन्ने वद तीर तेरी छाती दे विच वज्जणगे सिक्खी दा निशान उन्ने फुट उच्चा आकाश दे विच सदा ही चुरदा रहेगा। खालसा जी आ निशान साहब इस करके नहीं झुलदे भी लोहा बड़ा मजबूत है रस्सियां नाल पकड़ बड़ी मजबूती नाल दित्ती है। ए निशान साहब देशां विदेशां विच झुलण दा कारण है। ए थड़ा नजर आउंदा होवेगा बाहरलियां अखां नाल ध्यान नाल चेते करियो ते भावना नाल वेखियो निशान साहिबां दे हेठां अज वी बाबा अजीत सिंह बाबा जुझार सिंह बाबा जोरावर सिंह बाबा फतेह सिंह खड़े नजर आउणगे। खालसा जी समा आया 300 तो वध तीर बाबा अजीत सिंह दी छाती दे विच वज्जे सन 300 तो वध। उस तो बाद साहिबजादा बाबा जुझार सिंह जी जांदे ने ओह वी जंग दे मैदान विच जूझदे आ ते जेड़ी मैं बेनती करनी चाहुंना सां जदों साहिबजादे दोवें शहीद हो गए दो लखते जिगर सरहंद दीआं नीहां विच शहीद हो गए ते मुगल हकूमत ने सोचिया भी शायद गुरु गोबिंद सिंह डोल गए होणगे ते जां खालसे पंथ दी आवाज खत्म हो गई होवेगी। उस वक्त गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने सिखां वल हथ करके ए बचन कीते सी चे मर्दी के अगर खामोशा कुनी के आतिश दमारां फरोशा कुनी। महाराज ने कहा उरंगिया ए ना समझी मेरे लालां दा केवल खून इस चमकौर दी गड़ी दे मैदान विच डुलिया है ए हुण केवल खून इत्थे तक नहीं रहेगा ए खून आकाश विच हवा बन के फैलेगा ते जदों साहिबजादियां दा खून आकाश विच हवा बन के फैलेगा ए देशां विदेशां तक जावेगा ते जिन्नू भी साहिबजादियां दे खून दी हवा लग जावेगी ओ अमृत छाके गुरु का सिंह सज जावेगा। खालसा जी आपां सिंह तां सजदे आं क्योंकि कलगियां वाले पातशाह दे लखते जिगरां ने लहू डोलिया होया। सो इस करके अज प्रण करिए कि धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे चरणां विच अरदास करिए पातशाह कृपा करके सानू खंडे दी पहुल दिओ ते सच्चे पातशाह कृपा करके सिखी सिदक नभाउण दा बल बख्शिओ। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं। धन गुरु गोबिंद सिंह अपनी मुखार बिंद तो उचारण करदे ने पातशाही दसवीं तो भाव कलगियां वाले दी ये बाणी है। एक मैं बेनती करा अपने मन विच कदे कोई शंका ना लिया करो क्योंकि खालसा जी इस बाणी दे विच गुरु गोबिंद सिंह ने अपनी बाणी विच 52 भाषावां वरतियां ने ते अपनी बाणी विच गुरु गोबिंद सिंह ने 300 तो वध राग वरते ने। ते जदों कोई ये कवे ना भी बाणी कलगियां वाले दी नहीं छाती ते हाथ धर के माण नाल कहा करो भी सानू दुनिया दे तख्ते ते पिछोकड़ इतिहास दे विचों कोई बंदा लभ के लियाओ जिन्हों 52 भाषावां आउंदियां होण ते जां जिन्हों 300 राग आउंदे होण क्योंकि अज तक दुनिया दे तख्ते ते ऐसा मुरशद ऐसा व्यक्ति नहीं आया जिन्हों 52 भाषावां दा ज्ञान होवे ते जिन्हें खालसा जी 300 राग अपनी रसना तो गाए होण केवल ते केवल गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह कलम दे धनी सतगुरु ने 300 तो वध राग गाए ते 52 भाषावां वरतियां ते सर्वलोक ग्रंथ साहिब विच महाराज ने इंग्लिश भाषा की वरतों भी की। कलगियां वाले ने इंग्लिश भाषा भी इस बाणी दे विच वरती है। राज पलासी बख्शस हजूर कबियो बाच। राज पलासी राग दा नाम है बख्शस हजूर तो भाव हुण खालसे दी महिमा बयान करन लगे ने खालसे बारे सतगुरु सच्चे पातशाह रहमतां बख्शां वरतौण लगे ने। ऐसो गुण हर खालसे बख्शा भगत ज्ञानी राज जुगेश्वर। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहंदे मैं अपने खालसे नूं दुनिया दे तख्ते ते ऐसा
बली सूरवीर बना के चलिया, ऐसे महान गुण अपने खालसे नू बख्शे ने कि जेड़ा गुरु गोबिंद सिंह दा खालसा है ना, ओ भगत भी है, ओ संत भी है, सिपाही भी है, ओ राजा भी है, जोगी भी है, ते दुनिया दे तख्ते दे उत्ते खालसा ऐसा पदवी नू हासिल हुंदा है कि खालसे दा रुतबा दुनिया दे तख्ते ते सब तो महान है। धन गुरु गोबिंद सिंह कहिंदे खालसा भगत भी है, खालसा ज्ञानी भी है, खालसा राजा भी है, खालसा जोगी भी है। राजा जोगी ओ हुंदा है जेड़ा खालसा जी निहचल राज दी गल करदा है। एहो कारण सी भी जदों हकूमत ने नवाबी भेजी अकाल तख्त साहिब विखे सिंह साहिब दीवान दरबारा सिंह होना कोल, ते उदों नवाबी दी खिलत वेख करके बहुते हासे दे विच जां बहुते चा दे विच नहीं आ गए भी नवाबियां आ गईयां ते संसार दे उहदे आ गए। उस वक्त दीवान दरबारा सिंह जी ने धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह दी ताबिया बैठ के राजे जोगी दे गुण दी व्याख्या कीती। कहण लगे सानू दुनिया दी झूठियां नवाबियां नहीं चाहीदियां, क्यों? क्योंकि सतगुरु हमने दई पातशाही, हन्ने हन्ने लाए जह जह बह जमीन मल, तह तह तख्त बनाए। गुरु गोबिंद सिंह ने खालसे विच ताकत भरी है भी खालसा दुनिया दे तख्ते ते जिथे जाके भी खड़ जावे खालसे दा उत्थे ही राज कायम हो जांदा है। ते मैं बेनती करा खालसे नू राज मंगण दी लोड़ भी नहीं, क्योंकि खालसा राज मंगण वाला नहीं, खालसा राज वंडन वाला है। ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज दा सर्वलोक ग्रंथ दे विच वचन है, हो खालसा तू लै पातशाही, कहिंदे तू खालसा बन जा, राज ते कलगियां वाले ने अपने हाथ विच रखिया है। जिद्दन खालसे बन गए कलगियां वाले ने राज भी झोली विच पा देना। ए रहमत ए बख्शिश सतगुरु ने वरताई है। चते बरत अनन पाशक त्यागी हटी सूर पवनेश्वर, क्षत्रि ब्रित अनन्य पासक त्यागी हठी सूर पवनेश्वर। सतगुरु कहंदे ए क्षत्रि बिरती वाला है, क्षत्रि को पूत हो बामन को नाहे, भाव शस्त्र धारी गुरु का खालसा है, बिना शस्त्रां तो गुरु का खालसा सजदा नहीं। एक बचन करके मैं फतेह दी सांझ पावां। खालसा जी गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे बचन ने सिखो शस्त्र धारी होवो। ते सतगुरु ने कहा कल्ला कल्ला सिख अपने घर विच घटो घट पंज शस्त्रां दा आसन जरूर लावे। ते सतगुरु कहंदे जेड़ा ते अपने घरां विच घटो घट पंज शस्त्रां नूं रखेगा ना, ਉਹ ਕੇਵਲ ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਬ ਹਮਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਆਵੋ ਬਨ ਸੁਚੇਤ ਤਨ ਸ਼ਸਤਰ ਸਜਾਵੋ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਵੇ ਸ਼ਸਤਰ ਸਜਾ ਕੇ ਆਈ। ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਬਚਨ ਮੈਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਗਾਤਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇਗ ਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਿਓ ਜਦੋਂ ਘਰ ਤੋਂ ਤੁਰੋਗੇ ਗਾਤਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇਗ ਪਾ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਆਵੋਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰ ਪਕੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੋਗੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਆਵੇਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇਗਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ। ਅਨੰਨਿਆ ਉਪਾਸਕ ਤੋਂ ਭਾਵ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਦਾ ਤਿਆਗੀ ਹੈ। ਹਠੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਦਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਹੱਠ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੂਰ ਭਵਨੇਸ਼ਵਰ ਸੂਰੇ ਬੀਰ ਬਚਨ ਕੇ ਬਲੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਤਖਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲਸੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਮੁੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਮੁਲਤਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਤੱਕ 19 ਵਾਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚਲਾਏ ਸਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਸਨ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੀ ਦੀ ਪਹੁਲ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਬਾਕੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨੇਕਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਬਣਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 10 ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਣਗੇ, ਤੇ ਕਿਹੜੇ 10 ਅਵਗਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਛੱਡੋ
ਉਹ 10 ਔਗਣਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਸੋ ਆਓ ਇੱਥੇ ਹੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।